पिछले सालों में हम काफी सारे इलेक्ट्रिक कार को इंडियन मार्केट में देख चुके हैं और आज फ्रेंचाइजी एक्सपो में मयूरी ने भी अपना कार्गो यहाँ पे शो कर दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं इस कार्गो की पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर और आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन। तो आइए सबसे पहले इसके ओवरऑल लुक से बात करते हैं। अगर हम फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें बड़ी सी विंडशील्ड मिलती है, इसको क्लीन करने के लिए एक वाइपर यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें एलईडी टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं। उससे नीचे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एलईडी पे चलने वाली जो लाइट्स है वो भी देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पे मयूरी की ईटीओ की बैजिंग वगैरह मिल जाती है। और नीचे अगर कि आप देख सकते हैं एक बड़ा सा टायर हमें यहाँ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हमें डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं काफी बड़े और मजबूत सस्पेंशन यहाँ पे यूज किए गए हैं। अब अगर थोड़ा साइड की तरफ आए तो आप देख सकते हैं इधर हमें दो बड़े बड़े मिरर्स मिल जाते हैं ताकि ड्राइवर को पीछे का भी दिखता रहे। अब अगर इसके सिटिंग कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदे के बैठने के लिए तो यहाँ पे इनफ स्पेस गिवन है। यहाँ पे अगर हैंडल बार की बात करें तो इधर रेस का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और इधर जितने भी तमाम बटन वगैरह होते हैं लाइट ऑन ऑफ के, इंडिकेटर्स वगैरह के, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। सामने में एक नॉर्मल सा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इधर देखने को मिलता है, जिससे जो भी तमाम इन्फॉर्मेशन है वो इधर देखने को मिलेगी। मोबाइल के लिए एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है 5 वोल्ट का और यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है जहाँ पे जो ड्राइवर है अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकता है। बैठने के लिए एक स्पेशियस जगह है, जो ड्राइवर है वो आराम से यहाँ बैठ जाएगा। अब अगर पीछे की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा कार्गो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अगर लोडिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो जो व्हीकल का ओवरऑल जीवीडब्ल्यू है, ग्रोस व्हीकल वेट है, वो 1098 किलोग्राम्स का है, तो ये काफी भारी वजन भी यहाँ पे कैरी कर सकता है। अब अगर इसके पीछे की बात करूं तो पीछे आप देख सकते हैं सभी व्हीकल्स की तरह दो बड़े गेट हमें मिल जाते हैं ताकि लोडिंग वगैरह हो सके। नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें दो एलईडी जो बैक लाइट्स होती है वो इधर मिल जाती है। और यहाँ पे एक बड़ा सा बम्पर भी गिवन है अगर गाड़ी को भी पीछे से ठोके तो उसकी प्रोटेक्शन हो सके। अब अगर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे 9.4 किलोवाट्स की बैटरी यूज की गई है, जो फुल्ली चार्ज होने में नियरली 4 घंटे का टाइम लेती है। एक बार कम्प्लीटली चार्ज होने के बाद ये 148 किलोमीटर तक की रेंज आपको देती है। अब अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो यहाँ पे हमें 45 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड कंपनी की तरफ से देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एक शानदार कार्गो मयूरी की तरफ से यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अब इंडियन मार्केट में आने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है देखने की बात है। और प्राइस अभी तक कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने जितना भी इस कार्गो को जाना उस हिसाब से आपको क्या लगता है इसके प्राइस क्या होने चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ट्रक जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें।